खबरों की माने तो फिल्म फितूर में एक्टर अजय देवगन एक केमियो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो पहले अजय देवगन इस केमियो को लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर के कहने पर वो इस केमियो रोल के लिए तैयार हो गए। सोर्सेज की माने तो जोया अख्तर ने अचानक अपनी फिल्म दिल धड़कने दो के एडिटिंग स्टूडियो की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल इस फिल्म के कुछ पिक्चर्स हाल ही में मीडिया में लीक हो गए थे, जिसके बाद जोया ने स्टूडियो की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। खबरों की माने तो जॉन इब्राहिम ऑन स्क्रीन किसिंग करने से बच रहे हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म वेलकम बैक के डायरेक्टर अनीस बाजमी चाहते थे कि जॉन इस फिल्म के एक सीक्वेंस के लिए श्रुति हसन को किस करे, लेकिन जॉन ने ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स करने से इनकार कर दिया। एक्टर शाहरुख खान का कहना है कि रोहित शेट्टी ने उनकी अपकमिंग फिल्म की स्क्रिप्ट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के दौरान ही कंप्लीट कर ली थी और ये फिल्म भी रोहित की बाकी फिल्मों की तरह फुल ऑफ एक्शन एंड एंटरटेनमेंट से भरी होगी। रिसेंटली अर्शद वारसी और जैकी भगदानी की फिल्म वेलकम टू कराची की इंदौर में शूटिंग के दौरान फैंस बेकाबू हो गए और उन्होंने फिल्म के सेट पर पत्थर फेंके, जिससे जैकी भगदानी और फिल्म के क्रू मेंबर्स घायल हो गए। वैसे अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपने डिवोर्स की रूमर न्यूज पर ऑफिशियली बयान देते हुए कहा है कि वो इस तरह की न्यूज से काफी हर्ट फील कर रहे हैं। अर्जुन मीडिया की इस तरह की रिपोर्टिंग से काफी गुस्से में है और उन्होंने अब मीडिया पर्सन से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करने से साफ इनकार कर दिया है। आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल की तैयारी कंप्लीट कर ली है। सोर्सेज का कहना है कि आमिर खान ने अब तक अपनी इस फिल्म के लिए अपना वजन 22 किलो तक बढ़ा लिया है और वो अभी भी अपना वजन थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं। शाहरुख खान के घर के बाहर बने रैंप को तोड़ने के लिए बीएमसी ने रिपोर्टेडली उन्हें 2 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। इससे पहले कहा जा रहा था कि शाहरुख को बीएमसी ने 5 लाख रुपए पे करने के लिए कहा है। वैसे शाहरुख इस वक्त नेपाल में अपने एक ब्रांड के प्रमोशन में बिजी है।